गाइस वेलकम बैक टू चैनल। सो आज के ब्लॉग में हम एक नई जगह जा रहे हैं, नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नई सिटी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बट आज के ब्लॉग में मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, काफ़ी लाइक एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस जगह जाने के लिए मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा, पिछले 6 महीने से। बट मुझे ऐसा कोई संयोग नहीं बन पा रहा था, कभी ऑफिस की छुट्टी हो रही थी तो टिकट नहीं मिल रही, कभी टिकट मिल रही तो ऑफिस छुट्टी। बट संयोग ऐसा बना कि 2 घंटे के अंदर मेरी प्लानिंग हुई, मैंने चेक किया, छुट्टी ऑफिस से छुट्टी भी मिली है मुझे और फाइनली मुझे टिकट भी मिल गया। सो अभी मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, विद इन 30 मिनट्स मैं अपने डेस्टिनेशन पहुँचने वाला हूँ, स्टेशन पहुँचूँगा। तो आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी सिटी जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। बट बिलीव मी, आप देखोगे आप भी एक्साइटेड हो जाओगे और इन्जॉयफुल करेंगे हम आज इस ब्लॉग में। सो लेट्स कंटिन्यू, और चलिए चलते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं यहाँ पर अयोध्या नगरी में, आ गए हैं ये पावन भूमि पर, आ गए हम रामलला के भूमि में। सो चलते हैं, तो चलिए फटाफट चलते हैं और आगे अयोध्या नगरी घूमते हैं और आपको भी दिखाता हूँ अयोध्या। अयोध्या आने का काफ़ी टाइम से प्लान हो रहा था बट नहीं हो पा रहा था, आज जो यहाँ आने का सौभाग्य हुआ। ये गुरु जी हैं, गुरु जी की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आप लोग इनसे मिल सकते हैं। और मैं चल रहा हूँ, आज पूरा घूमूंगा, रामलला के दर्शन होंगे, हनुमानगढ़ी और भी देखते हैं कहाँ कहाँ, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ बिल्कुल। तो गुरु जी हमें ले चलेंगे जहाँ भी ले जाएंगे, तो उनके साथ घूमेंगे, दर्शन करेंगे और आपको घुमाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी और वहीं से रामलला के की दर्शन हो जाएंगे, पास में ही है। सो यहाँ से हम ई रिक्शा से जा रहे हैं, यहाँ से मैक्सिमम 5 to 8 मिनट्स लगते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी के पास, बस ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस हम जा रहे हैं और ई रिक्शा हमने छोड़ दिया है। सो यहाँ से देखिए ये पूरा जो शॉपिंग वाले होते हैं प्रसाद वगैरह वो सारे इधर मिल रहे हैं। चलते हैं करते हैं दर्शन। हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है, बस एंट्री पॉइंट पर हम पहुँचने ही वाले, बस यहाँ से चल रहे हैं दर्शन करेंगे, दर्शन करके फिर आपको भी दर्शन कराने की कोशिश करेंगे अगर भीड़ नहीं हुआ अलाउ हुआ तो। ये है एंट्री पॉइंट हनुमानगढ़ी का मंदिर का, ये है गेट, बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है।
तो फ्रेंड्स अभी हमने दर्शन कर लिया हनुमान गढ़ी का और यहाँ से ये वापस हम जा रहे हैं मंदिर रामलला के दर्शन करने के लिए। और ये हनुमान गढ़ी मंदिर है यहाँ पे, जब अयोध्या वापस आए थे राम जी वनवास पूरा करके, तो यही वो जगह था जहाँ पर हनुमान जी अपना विराजे थे और यहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। सो उस समय से ये मंदिर यहाँ पर बनी हुई है और यही मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी अपने माता की गोद में बैठे हुए बैठे विश्राम कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे, रामलला के दर्शन करते हैं। आई थिंक रामलला के दर्शन के लिए वहाँ कैमरा अलाउ नहीं होगा, देखते हैं जहाँ तक अलाउ होगा आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। सो फ्रेंड्स ये है दशरथ महल और फिर यहाँ से हम चल रहे हैं इधर रामलला की तरफ, इधर ही रामलला के दर्शन होंगे, इसी रोड से हमें आगे जाना होगा। चलिए चलते हैं, अभी रामलला के दर्शन हो गए हैं राम जन्मभूमि के और ये रहा प्रसाद। सो अभी हम जा रहे हैं या कनक भवन और दशरथ महल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ एक्चुअली कैमरा अलाउ नहीं था, कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउ नहीं था, सो वहाँ का वीडियो शूट नहीं कर पाया मैं और दर्शन नहीं करा पाया आप लोगों को। और चलिए बाकी जगह जहाँ जहाँ अलाउ है वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। हम जा रहे हैं कनक भवन की तरफ। कनक भवन ये वो भवन है जहाँ पर माता सीता ब्याह कर आई थी, तो उनके लिए जो दशरथ जी ने रहने के लिए एक भवन दिया हुआ था वो था। बट इसका नाम कनक भवन क्यों रखा गया, क्योंकि उसमें कनक मतलब स्वर्ण होता है, सोना होता है। उस टाइम ये पूरा भवन सोने के हुआ करता था और ब्याह के बाद सीता माता यहीं रहती थी। सो अभी चलते हैं वहाँ, वहाँ देखते हैं, दर्शन करते हैं, घूमते हैं और कैमरा लगा हुआ तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने दर्शन वगैरह कर लिया है, अभी जस्ट स्ट्रीट फूड ट्राई करने जा रहे हैं और यहाँ पे आए हैं स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? नाम खस्ता मटर। फिर फ्रेंड जी ये कुछ खस्ता मटर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था, लगा थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। खस्ता मटर, ये खस्ता है और ये रहा मटर और ये जाएगी कौन सी, ये चटनी है खट्टी में? अच्छा खट्टी इमली चटनी है। और ये कौन सी है? मीठी। ये मीठी चटनी। ओके ये क्या है? ये नमक सादा, सादा नमक। और ये सारे मसाले हैं, ये मिर्च। और ये क्या? प्याज। हमने दर्शन कर लिया, रामलला के दर्शन हो गए, राम जन्मभूमि के दर्शन हो गए, कनक भवन के, दशरथ भवन और हनुमान गढ़ी, हर जगह के दर्शन हो गए हैं। अभी चल रहे हैं सरयू नदी, वहाँ चलते हैं, घाट पे चलते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं और फिर मिलते हैं। सबसे पहले चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कि हमें मेन रोड जाना होगा यहाँ से, फिर उसके बाद वहाँ ऑटो वगैरह से हमें घाट जाना होगा। हम आ गए हैं सरयू नदी के पास, अभी जा रहे हैं सरयू नदी, तो देखते हैं वहाँ, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट।
अभी हमने यहाँ से सरयू माता के दर्शन हो गए सरयू के, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इत्तेफाक ये था कि आरती के समय हम पहुँच गए थे, तो आरती भी हमने ले लिया यहाँ पे, पीछे आरती स्थल था। और ये यहाँ पे है जो कि प्रॉपर हम देख रहे थे, काफ़ी मतलब 30 मिनट्स तक हमने यहाँ पे स्पेंड किया प्रॉपरली, काफ़ी अच्छा लगा। चलिए चलते हैं आगे, वापस चलते हैं यहाँ से। जो पार्क है प्रॉपर पूरा ग्रीन ग्रीन है, पूरा घास वगैरह बिछाया गया है पूरा। और यहाँ से इस साइड से आने के बाद यहाँ पे ये राम की पौड़ी है, और ये सरयू नदी से ही पानी इसमें भरा जाता है, इसे राम की पौड़ी बोलते हैं। गाइस अभी आज लास्ट नाइट है, अभी रात के बज रहे 12, मैं यहाँ से अयोध्या से वापस हो रहा हूँ। अयोध्या में काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया, हर जगह जहाँ जहाँ मुझे जाना सब कुछ कवर हो गया, सब कुछ मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो चलते हैं फटाफट, अभी स्टेशन चलते हैं, देखते हैं अभी ट्रेन की टाइमिंग क्या, क्योंकि मैंने 2 ट्रेनों में टिकट किया हुआ था। सो मुझे लग रहा सुबह वाले में कन्फर्म हो जाएगा, बट रात वाली ट्रेन में ही मेरा कन्फर्म होगा टिकट। सो अभी मैं फटाफट निकल रहा हूँ, और अभी रात में कोई कैब वगैरह मिल नहीं रही थी, सो मैं अभी वॉकिंग करके ही आ गया हूँ रोड पर, मेन रोड पर आ गया हूँ। और यहाँ पर ऑटो का वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ ऑटो कितना टाइम लेती है। सो जस्ट वेटिंग फॉर ऑटो, उसके बाद फटाफट चलते हैं स्टेशन, देखते हैं ट्रेन कब तक आती है, फिर आगे की जर्नी आपको कंटिन्यू करता हूँ। फ्रेंड्स फाइनली मैं रेलवे स्टेशन आ गया हूँ, काफ़ी टाइम के बाद मुझे एक ई रिक्शा मिला था। और मज़े की बात ये है कि मुझे लगा था कि एटलीस्ट 100 रुपीज़ तो लगेंगे स्टेशन तक जाने के, और क्योंकि पूरा रात था, मैं अकेला ही था ई रिक्शा में, कोई और नहीं था। बट एक मतलब अनबिलीवेबल चीज़ थी, मतलब एक थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि स्टेशन पहुँचते ही मैंने पूछा कितना हुआ, उन्होंने बोला सिर्फ 10 रुपये। ये लिटरली ऐसा भी है कि मतलब एटलीस्ट ऐसा भी नहीं था, नज़दीक था, अराउंड 3 किलोमीटर्स तो थे ही, उतनी दूर अकेले ही उन्होंने मुझे छोड़ा और सिर्फ 10 रुपये लिया। मुझे लगा कि रात में एटलीस्ट रात में अकेले है तो कुछ तो ज़्यादा लगना चाहिए, बट सिर्फ 10 रुपये। तो ये देखकर मुझे लगा कि नहीं, अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं, उन्होंने बोला कि लाइक मतलब सेवा का भी मौका हमें मिल जाता है ऐसे, और ईमानदारी है, और इसमें मेरा ऐसा भी नहीं, अगर आप नहीं होते तो भी मैं वहाँ तक जाता ही जाता। सो और आप मुझे मिल रहे हैं तो भी मैं सिर्फ किराए ही ले रहा हूँ, नॉर्मली 10 रुपीज़ ही होते हैं अगर सारी सवारियाँ होती हैं तो मुझे ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और मैं यहाँ आया। सो मतलब कहता है ना कि मतलब अंत भला सब भला, दिन तो पूरा अच्छा ही रहा मेरा, हर जगह अच्छे दर्शन हुए। लास्ट जो अयोध्या के अंदर ट्रैवल था मेरा वो भी काफ़ी अच्छा रहा। सो फाइनली जर्नी कंप्लीट है मेरी, और फाइनली इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।